हमारे फिल्म जगत की एक बात बड़ी निराली है, यहाँ के स्टार एक्टर्स का अपना एक खास अंदाज होता है और जीवन में वो हमेशा इसी बात के लिए चर्चित रहते हैं। पर हमारे फिल्म जगत को ऐसे कलाकार बहुत कम बार नसीब हुए हैं जिनकी आवाज बड़ी दमदार हो, आवाज ऐसी कि गहरी नींद में सो रहा इंसान भी उठकर खड़ा हो जाए। तो चलिए, मैं अनामिका आपको मिलवाती हूँ ऐसे महान अभिनेता से जिन्होंने बतौर साइड एक्टर खूब सारे लम्हे फिल्म जगत को दिए हैं। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी पर। दोस्तों, अगर आप भी अभिनेता मुराद जी के फैन हो तो एक लाइक अभी ठोक दीजिए। सरकार कौन? शंभु। हाँ, बैठ। नायब जी, वो कागज लाइए। अभी लाया हुजूर। तुझे खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाया। क्या खुशखबरी है हुजूर? मैंने तय किया है कि गांव का रूप ही बदल दूं, यहाँ एक मिल लगवाऊंगा, तमाम रास्ते पक्के बनवा दूंगा, घर घर बिजली की बत्तियां जला करेंगी, तुम सबकी भलाई होगी। हजूर, हमारे माए बाप हैं, आप हमारी भलाई ना करेंगे तो और कौन करेगा? मगर ये सब तुम लोग समझते कहाँ हो, फिर भी इन सब में तू समझदार है। ले जरा अंगूठे का निशान तो लगा दे इस कागज पे। इसमें क्या लिखा है हजूर? अरे कुछ नहीं, वही गोपीपुर में मेरी जमीन के साथ लगती हुई जो तेरी 2 बीघा जमीन है, वो मुझे चाहिए, वही मैं मिल लगवा रहा हूँ। ले अंगूठा लगा दे झट से। इसके बदले में जो मैंने कर्जा तुझे दिया है वो सब माफ कर दूंगा। मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा, थोड़ी सी मोहलत दीजिए हजूर। मुझे गरजमंद समझकर कस रहा है। अच्छा ठीक है, कर्जे की माफी के अलावा कुछ रुपए और भी दे दूंगा। जमीन तो किसान की माँ है हजूर, माँ को बेच दूं? अबे रहने दे, जमीन पर मिल लग जाने से माँ बाप बन जाएगी। जमीन से तुझे क्या मिलता है, मिल में मजदूरी करके भर पेट खाएगा, आराम की नींद सोएगा। हजूर, पेड़ को मट्टी से उखाड़ कर सोने में लगा दे तो क्या वो बच सकता है? अरे बड़ी बड़ी बातें रहने दे, तेरे ही भले की कह रहा हूँ, अंगूठा लगा दे। नहीं हजूर, जमीन मैं नहीं बेचूंगा। क्या क्या कहा, नहीं बेचेगा? अरे मेरा कहा न मानकर अपने ही हाथों अपना सत्यानाश करने पर क्यों तुला हुआ है? जमीन चले जाने पर ही तो किसान का सत्यानाश हो जाता है हजूर, और फिर उस जमीन पर तो हमारा 7 पीढ़ी पुराना मकान है। नहीं हजूर, जमीन तो मैं किसी हालत में नहीं बेच सकता। ये मजाल, इतनी जुरत? अच्छा तो कल तक मेरी सारी रकम मैं सूद के चुका जाओ। कल तक? 4 दिन तो दीजिए सरकार। काफी मोहलत दे चुका हूँ, तुम लोग शराफत से पेश आने के काबिल ही नहीं। मेहरबानी कीजिए सरकार, मैं ये मेरा आखिरी कर्जा है, निकल जाओ यहाँ से। सरकार दया कीजिए, सरकार, सरकार, सरकार। हामिद अली मुराद एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने चरित्र किरदार की दुनिया में अपनी अलग शैली पेश करते हुए लोगों के दिल जीते हैं। समय अनुसार उन्होंने कॉमेडी किरदार भी निभाए और वहीं विलन के किरदार में रहकर अपने दमदार आवाज से लोगों का खूब मनोरंजन भी किया। ब्रिटिश कालीन उत्तर प्रदेश के शहर रामपुर में साल 1909 में मुराद जी का जन्म हुआ। वो बड़े हैंडसम और उच्च कद के भूरे आंखों वाले इंसान थे और कहा जाता है कि उनकी पर्सनालिटी बहुत प्रभावशाली थी। उस जमाने में मुराद जी बड़े शान से रहते थे। पढ़ाई लिखाई के बाद रामपुर के म्यूनिसिपल बोर्ड में वो अफसर भी बने, पर हमेशा से वो एक लेखक बनना चाहते थे। इसीलिए मुराद जी ने अफसर की जॉब छोड़ दी और लेखक बनने के लिए मुंबई आए। वो जब यहाँ आए तो फिल्मकार उनकी पर्सनालिटी देखकर चौंक जाते। सब उन्हें कहते, आप अभिनय करो, आप उसी के लिए बने हो। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जब मुराद जी फिल्म जगत से जुड़े तो उनकी आयु 34 साल की थी। इस आयु में उन्हें कौन हीरो बनाता, पर मुराद जी ने ये कभी नहीं सोचा था कि वो एक अभिनेता बन सकते हैं। वो साल था 1943। मशहूर फिल्मकार महबूब खान ने उन्हें अपनी फिल्म नज़मा में एक रोल ऑफर किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें अपने जीवन का पहला किरदार बाप का मिला था। जी हाँ, इस फिल्म में मुराद जी अशोक कुमार के पिता के रूप में दिखे। दरअसल अशोक कुमार और मुराद के उम्र में सिर्फ 1-2 साल का फर्क होगा। बहुत खूब है, मालूम होता है कि जन्नत में बैठा हुआ कोई जन्नती मेवा खा रहा हूँ। डॉक्टर साहब तबला, मालूम होता है आप मिठास खाने के जरा कम आदी हैं। जी नहीं तो। वाह,
जब आप सेवैया नोश फरमा रहे थे तो मैं आपके चेहरे के उतार चढ़ाव से भाप गया था। जी हाँ सरकार। आगे चलकर मुराद जी ने 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। महबूब खान के हर फिल्म में मुराद जी दिखते थे। 1946 की अनमोल घड़ी, अंदाज 1949, दीदार 1951, आन 1952, दो बीघा जमीन 1953, 1954 की मिर्जा गालिब और अमर, देवदास 1955 और मुगले आजम जैसी महान फिल्मों में मुराद जी ने लाजवाब अभिनय किया है। के आसिफ के मुगले आजम फिल्म में वो राजा मान सिंह के भूमिका में थे और बिमल रॉय की सामाजिक फिल्म दो बीघा जमीन में वो कठोर जमींदार के नकारात्मक भूमिका में थे। खुदा आपको जजाए खैर, आपका दम भी फी जमाना गनीमत है, वरना हम लोग तो अपने फराइज को फुला चुके हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं देखता हूँ आप भी 24 घंटे इनकी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, ये भी कितनी बड़ी बात है। आपकी इज्जत अफजाई है, बखुदा इन सब बच्चों से अपने बेटे यूसुफ की तरह मोहब्बत। अपने दमदार आवाज और अप्रतिम अभिनय के कारण मुराद जी 4 दशक तक फिल्मों में दिखते रहे। कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जो मुराद और सप्रू को लेकर उलझन में पड़ जाते थे, क्योंकि इन दोनों महान कलाकार की पर्सनालिटी और आवाज एक जैसी थी। अगर आपने भी सप्रू जी को मुराद समझ लिया हो तो एक लाइक अभी कर दीजिए। एक्टिंग और आवाज की इस विरासत को मुराद जी के बेटे रजा मुराद ने बखूबी से संभाल के रखा। यूं कह लीजिए कि बाप बेटे की जोड़ी ने 6 दशक तक फिल्म जगत पर राज किया है। मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान भी इनके रिश्ते में आती है। दरअसल जीनत मुराद जी की बीबी के भाई की बेटी है। 1981 के साल में उन्हें पैरालिसिस हुआ, पर वो उस बीमारी से बच निकले। इतने गंभीर बीमारी में भी मुराद जी ने अभिनय को छोड़ा नहीं। 1995 की झुमका, प्यारा संगम और वक्त का बादशाह, इन फिल्मों में उन्होंने आखिरी दफा काम किया और 24 अप्रैल 1997 को उन्होंने आखिरी सांस ली। अजी नहीं, वो तो मेरी मुट्ठी में है, मैं आज ही सब बंदोबस्त किए देता हूँ। शंभू महतो की तरफ हमारे कितने रुपए चाहिए? खाता देखना पड़ेगा। देख लीजिए और उसे कल यहाँ बुलवाइए। बहुत अच्छा हुजूर। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।